ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ मैं 12 के बाद। तो देखें 13 क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे लिख दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ही कह सकते हैं इसको। मैंने दोनों में लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं इंग्लिश हिंदी का, लिख दिया है। देखिए, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या शो करना है, इतने बराबर ये, इसके बराबर ये शो करना है। और ये हिंदी में इस तरह लिखा हुआ, यदि इतने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो दिखाइए ये, ठीक है ना। अब हम इसको हल कर रहे हैं, तो हल में हम क्या लिखें, ये दिया है हमको, क्या दिया है ये लिख लेंगे, दिया है, ये कह रहे हैं यदि ये है तो ये बताना है, तो दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया है। अब देखो यहाँ से हमें दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि पावर थ्री किससे आएगी। तीन ऐसे सूत्र ऐसा है नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसमें पावर थ्री आ जाए तीनों उसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये एक आइडेंटिटी है, इसमें पावर थ्री ये इस तरह से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को इधर रहने देंगे, जेड को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमें ये सूत्र लगाने में आसानी रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के जेड हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है ना, क्यूबिंग बोथ साइड लिख देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का घन। तो क्या होगा, x प्लस वाई की घात तीन आ जाएगा बराबर माइनस जेड की घात भी तीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी सीधे सीधे ये वैल्यू रख सकते हैं हम इसकी जगह, ये सूत्र होता है आपका, आइडेंटिटी होती है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो x की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसके बाद, ये आपको याद होना चाहिए, याद रखना ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो एक बार x की पावर थ्री, एक बार y की पावर थ्री है, फिर प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक दो बार प्रैक्टिस करना सवाल लिख लिख के, आपको याद जाएगा। माइनस में देखो ये माइनस जेड है और पावर थ्री है, ऑड नंबर है तो माइनस का ही जेड की पावर थ्री रहेगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड है हमारे पास, तो यहाँ माइनस जेड रख देंगे, x की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स वाई, यहाँ पर रख सकते हैं हम माइनस जेड, क्योंकि देखो हमें लाना क्या है, इस तरह से ये लाना है, तो ये थ्री एक्स वाई जेड ये आ जाएगा देखो, और यहाँ पे तो माइनस जेड की पावर थ्री है पहले से ही, यहाँ लिख देंगे क्योंकि x प्लस वाई बराबर माइनस जेड है, x की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री और प्लस माइनस का इनटू क्या होगा, माइनस थ्री एक्स वाई जेड इजकल टू माइनस जेड की पावर थ्री, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो क्या होगा, x की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री, ये इधर आके माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे जेड की पावर थ्री, और ये माइनस के हैं ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, थ्री एक्स वाई जेड, यही तो हमें लाना था, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका।